नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। और अभी मैं आ गया हूँ रिंग रोड फेज 3 का जो गंगा ब्रिज बन रहा है वहाँ पर। ये देख सकते हैं अभी मैं गंगा ब्रिज के इस पार हूँ चंदौली ज़िले में, और उस पर जाएँ तो वाराणसी ज़िला हो जाता है आपका। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो गंगा ब्रिज का कार्य हुआ है वो कितना कार्य हुआ है, जो ब्रिज के पिलर का कार्य होता है वो कैसे किया जाता है और क्या है इसके अंदर का टेक्निक, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पिलर का काम है वो बहुत ज़ोरों पर चल रहा है। अभी जो रिंग रोड फेज 3 को कंप्लीट करके डेट मिला था पहला वाला, वो मार्च 2022 जो मार्च बीत गया वो डेट था। फिर बारिश में इस ब्रिज का कार्य रुक जाने से नवंबर 2022 का डेट मिला। और अभी मुझे यहाँ पे आके पता चला कि इस ब्रिज का जो कार्य है वो नवंबर 2023 में कंप्लीट हो सकता है। तो बात में पूरी तरह सच्चाई लग रही है कि नहीं, नवंबर 2022 में कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम में काम चल रहा है, जैसे ही बरसात का मौसम आएगा तैसे काम ठप हो जाएगा और गंगा जी का वाटर लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए ब्रिज के पिलर का कार्य है वो जल्दी जल्दी किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं गंगा जी में जो ब्रिज का पिलर बन रहा है लगभग सबका काम स्टार्ट ही हो गया है और कुछ को बनाए भी लिया गया है। जो उस पार गंगा उस पार से जो ब्रिज का कार्य है वो लगभग ज़्यादा ही हो गया है इस पार की अपेक्षा। तो इस पर ये ब्रिज का पिलर बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्रिज के पिलर का निचला हिस्सा है। इसको 40 से 80 फीट तक ज़मीन के अंदर ले जाया जाता है इस मशीन के द्वारा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कैसे इसमें से मिट्टी निकाला जाता है। और फिर इस पर पत्थर रखकर और प्रेशर देकर ज़मीन के अंदर दबाया जाता है ताकि ये ज़मीन के अंदर जाए। ये लगभग आपका 40 फीट अंदर जाने वाला है। और आपको बता दूं कि ज़रूरत पड़ने पर इसको 80 फीट तक अंदर ले जाया जाता है, लेकिन अभी जहां तक इस पिलर के बारे में जानकारी मिला है, मैं बात किया यहाँ के सर से तो बोले कि नहीं, 40 फीट तक ये अंदर ले जाया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस मशीन से मिट्टी निकाला जा रहा है, और जैसे जैसे मिट्टी निकाला जाएगा नीचे का एरिया खाली हो जाएगा मिट्टी निकलेगा तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे अंदर जाता जाएगा। और जब नहीं जाएगा तो इस पर जो सीमेंट का बड़ा बड़ा ब्लॉक बनाया गया है वो ब्लॉक रख कर इसको दबाया जाएगा तब ये अंदर जाएगा। और जितना यहाँ पर देख सकते हैं जितना अंदर जा रहा है ये लिखा गया है कि कितना अंदर गया। अभी तो दोस्तों ये काम काफ़ी टफ होता है, इसलिए जो टाइम है बहुत ज़्यादा लगता है, जल्दी नहीं हो पाता काम और इसलिए डिले हो रहा है कार्य। दोस्तों गंगा नदी पर ये देश का तीसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज बनाया जा रहा है। ये नियर अबाउट 2 किलोमीटर लंबा है। और दोस्तों सबसे लंबा ब्रिज जो है बनाया गया नर्मदा नदी पर जो गुजरात के भरूच में स्थित है, और दूसरा बनाया गया इलाहाबाद यानी प्रयागराज में जो यमुना नदी पर स्थित है। और ये तीसरा भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। और ये रहा कंप्लीट वीडियो, आप देख सकते हैं जो अभी कार्य हुआ है। अभी कार्य कंटिन्यू जारी है क्योंकि गर्मी का टाइम है, इसलिए काम थोड़ा जल्दीबाजी में चल रहा है। जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द से जल्द काम कंप्लीट कर लिया जाएगा गंगा ब्रिज का, तो बरसात के दिन में थोड़ा राहत मिलेगा, नहीं तो वाटर लेवल बढ़ जाने से जो काम है बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये रहा अपडेट, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।